इंशाल्लाह जिस टाइम तैयार थी जी ये 7 लाख क्रॉस करवाना है। जिस टाइम परमानेंट खरीद फरोख्त की थी तो 8-8 लाख दे जानवर 9 लाख दे गिद्ध। अच्छा माशाल्लाह जी, सैडू मज्जी खड़ोती हैं, उस सैडू इंपोर्टेड गाय खड़ोती हैं। हुन तुसा मैनू इन्हां जानवरां दा तारुफ कराया सोचा वीडियो च कि ईदी नस्ल क्या है, ईदी नस्ल क्या और इन्हां दे दूध दी मकदार ही दसाया सोचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? उम्मीद करें सारे भैन भरा अल्लाह के फजल करम ठीक हो सन। अल्लाह पाक सारे भैन भरावान खुश रखे, उन्होंने वालदैन सेहत अली तो लंबी जिंदगी अता करे और जितनिया नेक ख्वाहिशात अल्लाह पाक पूरी करे। अज ही मैं इस एक ऐसे फार्म का विजिट करा वाला कि सारे बखर का सब तो वे डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर जेडे डॉक्टर आमिर हयात चदरड़ साहब जेड़े दोस्त बखर तुरे दिन उन्होंने पता लग गया कि आज बहुत बड़े डॉक्टर का ना माल का विजिट करा लिया और उस को ऐसा फार्म तो गाई हैं कि जड़ियाँ 13 लाख 14 लाख 15 लाख दी सेल की और 30-30 35-35 40-40 लीटर दूध देने वाली गाई का भी मैं विजिट करा पाया। बड़ा मज़ा आने वाला और वीडियो में तुरी मेहरबानी उसी पूरा दिखाए। माशाल्लाह जी, ये डॉक्टर साहब दिन डू छोटियाँ रखी दुहाई फार सेल दुहाई फार सेल और 8-8 महीना दिया दुहाई गब्बाने जै गिरणियों में तो मेरा नंबर तो हर बंदे को ले, हर दोस्त को ले तो मैं रबता जरूर करे सो। माशाल्लाह जी, सैडू खड़ोती हैं अलहमदुल्ला जी, फार्म के बिच आ गए कौ फार्म जिते जी डॉक्टर साहब दियाँ गाय खड़ोती हैं और आला नस्ल दियाँ गाय खड़ोती हैं जेडे गाय के माशाल्लाह शौकीन हैं। बारिश आई और चिक्कड़ भी है तो बड़े औखे बहते पे लेकिन डॉक्टर साहब की मुहब्बत है कि आज मौसम ख़राब आई और तकरीबन मैं तो हूँ घर आया जी सवेरे तो बस हूँ तेरे सामने मोटरसाइकिल। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर साहब तुहाडा माशाल्लाह जी शौक नौकी थी पे कमाल शौक है और खूबसूरत शौक है। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा जानवर दे देना, अच्छा जानवर वो रख दें क्योंकि तो देसी जानवर कोई घा पामना होता है, पानी पिलाना होता है, धूप छांव तो बचावना होता है जी। उसकी बजाय अगर तुसा फ्रीजियन नस्ल का या क्रॉस फ्रीजियन दे रख दें। अच्छा जी, ज्यादा दूध देने वाला जानवर। अच्छा जी, उस दे भाई आम देने ना जी वो ज्यादा। हुण तुसा मैनू इन्हां जानवरां दा तारुफ कराया सोचा वीडियो च कि ईदी नस्ल क्या है, ईदी नस्ल क्या और इन्हां दे दूध दी मकदार ही दसाया सोचा और इन्हां दी कीमत ही थोड़ी थोड़ी इंजां ना ये डंडे 24 है जी। अच्छा जी, हुण महीने ते आई खड़ी है। अच्छा, क्योंकि मैं बाकर भाई रिपीटर जानवर गिनदा जी बिल्कुल डुंडा चौगा छिगा होवे पिया कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अच्छा जानवर गिनदा उंदा इलाज वगैरह करके क्योंकि खुदा प्रैक्टिस करने वेटनरी दी जी बिल्कुल उंदा इलाज माल जा करके ते गब्बण वेने जी 2 महीने दी गब्बण सेल होवे करदे ने। अच्छा, नहीं तो मैं तुहानू फुल तैयार कर देने। अच्छा, 15 जानवरों का जेड़ा ना सेटअप है। अच्छा जी, आज 3-4 जानवर सेल किए ना मैंने ख्याल के 10 जानवर। अच्छा, ये था दोस्तों को गिद्धी है बहरहाल उस टाइम कमजोरी बहुत ज्यादा आई तो नॉर्मल जानवर है। अच्छा जी, ये 1,22,000 का खरीद की था जी और इस टाइम इसकी कितनी कीमत लगती पी? इस टाइम तो हूँ आज महीना थी कि इन्हू क्रॉस था। अच्छा जी, इंशाल्लाह चेक थी कि 2 लाख दे तो सेल थी वैसे ठीक है यानी कि महीना तो गिद्ध थे नहीं गिद्धे को 1.5 महीना थी 15 दिहाड़े इलाज थे। अच्छा माशाल्लाह, और ये जानवर जी सकत मुंह तो चौग है। अच्छा, 5 महीना का प्रेग्नेंट और इदी नस्ल ये फ्रीजियन दे विच है। अच्छा, फ्रीजियन इंपोर्टेड तो नहीं। अच्छा जी, सारे ये लोकल है लेकिन नस्ल दे हिसाब नाल अच्छे। अच्छा, इंशाल्लाह ये प्यार ठीक है जेडी ए जी हां ये 13-14 लीटर करे सी। अच्छा, 13-14 लीटर दूध करे सी। अच्छा ए जी, अच्छा ये जेडी ए इंशाल्लाह 20+ करे सी। 20+ करे सी इतना पल्ली साइड पे वही फ्रीजियन दी है लेकिन क्रॉसी से जी बिल्कुल बन्ने चौगी है। अच्छा जी, 8 महीना दी प्रेग्नेंट। अच्छा, वो 8 महीना दी प्रेग्नेंट है और उदी दूध दे इंशाल्लाह 20+ है। 20+ और ओ पास से ओ फ्री है जी। अच्छा जी बिल्कुल, ओ 4 महीना दी प्रेग्नेंट दी हाले दंदे खीरी है। अच्छा, दंदे दी खीरी मदन जेड़ा ना बिना नाले। अच्छा जी, अच्छा ओ दूध तो जरी गाले क्योंकि दुंदी सूसी जी हां इस वास्ते दूध ये 14-15 करे ज्यादा ना करे। और लास्ट वाली जेड़ी है जी वो सर दन्ने चौगी है। अच्छा, पहला सुबह सुई होती है दूजा सुबह 4 महीना भी गर्मी है। अच्छा, ये दुहा टाइम का 10-12 लीटर दूध है।
अच्छा हुण चाचू चोंदे ही पैन चलो जले चोगे ने संदरी खाई देसु दूध। अच्छा चाचू हुण और डॉक्टर साहब हुण मेन पासे आवे ने कि जेडी वजह तू लोग शौक करेंदे ने और जेडी वजह तू लोग राबता करेंदे ने उससे मैं तुहानु मेन मुद्दा दसा देना कि लोग और व्यूअर दोस्त भाई बहना सारे मैं तू पुछदे ने कॉल करके कि असा गाई दा या मझी दा शौक करेंदे तो क्या इहदे विच फायदा है क्या इहदे विच कमाई है। अगर तुसां फार्मिंग करो जदीद फार्मिंग करो। अच्छा जी जदीद तरीके नाल करो रवायती तरीके नाल नहीं कि घाह भू पाता ते वात लगा गया दुख सुख भुगताया बार एक बजे आया पानी पिला दिता ते वात सैकड़ ने घाह पा के मोटरसाइकिल ते चढ़ा ते फिरदा टुरदा रहे इन नुकसान है। अच्छा इन फार्मिंग नहीं थी नहीं। जदीद तरीके नाल करो इन्हां दी बाकायदा डिवर्मिंग करो बाकायदा वैक्सीनेशन करो इलाज भी जदीद तरीके नाल कराओ ताकि तो कोई जानवर नहीं गबड़ रहा पिया उन्हें बकायदा जोड़ा होंगे प्रोटोकॉल उसनों फॉलो करो खुराक भी अच्छी दो परमानेंट दो पूरा साल खुराक दो अच्छी नफा कर एक महीना खुराक अच्छी पाती अगले महीने उसका बंदोबस्त ना हो जानवर बहुत कमजोर हो गए बाजी या दिन डॉक्टर साहब असा तो 1.5 लाख की खेती आई अच्छी हूँ तैयार थी खड़ी है तो 2.5 लाख लगता पिया साल पाली खड़े वो नुकसान है। नुकसान अगर तुम 1.5 लाख की अच्छी खरीद करें देवे ना जी ते साल रख के अगर 5 लाख 4.5 लाख की सेल थी तो आना फिर। अच्छा हम भूसे का सीजन आना भी है पूरे साल का भूसा इकट्ठा स्टोर करे सो बिल्कुल स्टोर कर पूरे साल का फर्क किया 200 बोरी का लगता है तो 30-40 बोरी का वह फिर खरीद एक्स्ट्रा रखना एक्स्ट्रा रख सो ये नहीं कि इन्होंने आड़े आके हूँ अक्सर मेरे जमींदार बिरावन का सारा दीजो थलो के 100-100 एकड़ के जमींदार ही घर के 10 जानवर का भूसा कौन है भूसा कौन है बिल्कुल इन गल 10 दिहाड़ा की जी कमी है पूरे साल की मेहनत सिखा रहे बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा ये दसाओ तुहाडे माल और जानवर इतनी मतलब किचड़ी पे लेकिन शाइन और खूबसूरत क्यों लगते खड़ोते सेहत की वजह खुराक अच्छी देने डिवर्मिंग वक्त करें अच्छा ता तो माल इतना शाइन और खूबसूरत नजर आता पे बिल्कुल हद तक सारा दी बारिश रही सारा दी बारिश रही नहीं तो सेहत अच्छी है तो थानू खरीदार पैसा अच्छा दे सी। अच्छा कमजोर जानवर दा खरीदार पैसा अच्छा नहीं देना बिल्कुल और चाचू इन वास्ते वंडा भी इस्तेमाल करें दे पे तुसा जी बिल्कुल वंडा सारा साल चल रहा है वंडा केड़ा हाई पावर दे ना तुसी। अच्छा वो दूध वाले जानवरों को देंदे पाए। अच्छा तो इन्हों का खुद आप तैयार करें। अच्छा यानी मकई गिन गिदी जी चौकर गिन गिदा जी यीस्ट मिक्स करें ताकि कोई मैदे वगैरह का मसला होती है। अच्छा कैल्शियम वगैरह भी मिक्स कर दिता। अच्छा वो कोशिश करें मार्केट जो चीज़ सस्ती हो ना जी अस उस तैयार करें। अच्छा मकई इस साल सस्ती आई जी 4,500-5,000 तो 100 किलो चल रहा है जी वो ज़्यादा खरीद कर गिदी है जी बिल्कुल ये तो नहीं जो भाई जानवर पाल नहीं नफे वास्ते पाल नहीं तुसा इस दी बजाय 20,000 वाला चना खरीद करना शुरू कर दे जी ये गलत गल है ये गलत गल जहरी गल है सर बिल्कुल एक बोरी चने दी तुसा 20,000 दी खरीद करो जी ते उत्तां 4 बोरियां मकई खरीद मकई खरीद च करो इन चीज़ों का ख्याल करना। अच्छा हूँ अगे मैं तो तू पहले पूछे कि शीप फार्मिंग और या गोट फार्मिंग हूँ मैं तो तू पूछा भाई काऊ फार्मिंग और बैफलो फार्मिंग स्वान फार्मिंग बैफलो फार्मिंग। अच्छा जी प्रॉफिटेबल ज्यादा काऊ फार्मिंग। अच्छा जी और ये दसाओ कि तुसा डॉक्टरी के शोबे तुम कितना अरसा थी गए तकरीबन 2008 और 16 साल। अच्छा 16 साल हो गए तुहानू डॉक्टरी दे विच 16 सालां दे विच ऐसा कोई जानवर जिहड़ा तुहानू भुलदा ही ना होवे शीप होवे या काऊ होवे या बैफलो होवे या गोट होवे ऐसा कोई जानवर जिहड़ा मतलब इतना नस्ली जानवर तुहाडे कोल आया होवे अच्छा जानवर आया होवे काफ़ी सारे आंदे रहने भाई पाके गाइयां दे चच्चियां चच्चियां काफ़ी सारियां बैठियां आईयां। अच्छा जी उन्हां दे विच इक के मैं अपने सादे मोहतरम नूं गिफ्ट कीता डेरा इस्माइल खान। अच्छा जी फ्रीजियन की बच्ची आई। अच्छा बीमार खरीद की मैं उनके जेडे इन्ना अगले घुटने गोडे वो सुजे हुए हैं। अच्छा चलन तो औखी आई उनका इलाज किया है बात उस बात तो प्रेगनेंट थी गई है। अच्छा अल्लाह ताला मकसद करे मल्ले कसर दिन उन्होंने फार्म तो खरीद। अच्छा तो उस टाइम वो उनका 7 मन वजन आई तो कसाई वाले रेट ती 1 लाख रुपए की खरीद की। अच्छा बात उनका इलाज किया गोडा दो साइड थी गए प्रेगनेंट थी है। अच्छा
वो दी है माशाल्लाह हूँ ही मान के देते हैं तो वो पांच सूई उत्तर सूई खड़ी है। अच्छा पांच दिया पांच बच्चियाँ दी हैं। क्या बात है। 35 लीटर दूध दे दे रिकॉर्ड होता 35 लीटर तक भी अगर देखो तो बच्ची ही लगती है नहीं मैं लगता पहला सुबह या दूजा सुबह। अच्छा इतने ज्यादा दूध डाली तौर पर नहीं आई क्योंकि ज्यादा दूध डाली चौथे सुबह तो फारिग थी आंदी है बुद्धि थी आंदी है। अच्छा माशाल्लाह 40 दिन के अंदर प्रेगनेंट थी है तो मादिया लेंदी पई है तो हाल तक बच्ची आंदी है। वो जानवर मैं उस्ताद ने गिफ्ट कर छोड़े लेकिन वो एक जानवर है जानो तुसा बोल ना सकदे और तुसा बोल ना सकदे बोल ना सकदे उसदियां मादियां भी माशाल्लाह सारियां उस फार्म दे उते 3 प्लस करेंगे। अच्छा माशाल्लाह पहले टाइम कड्डो छोटा भाई डॉक्टर रास्ते बताई हुंदा है। अच्छा तो थाने इंशाल्लाह जरूर मैं इंशाल्लाह जरूर डेरा इस्माइल खान में और एर साओ कि बैफलो ज्यादा तो ज्यादा दूध कितना देंदी तुहार कोल नस्ल तो मुनसर करें मैं। अच्छा मेरे को हिका छोटी आई आई जेडी के 15-16 लीटर करें दिया आराम नाल। अच्छा माझ 16 लीटर जी हाँ पहले छोटी आई लेकिन उसके बाद थोड़ी बीमार हो गई आई। अच्छा तो सेल कर देती है। अच्छा बका ये जड़ियाँ खड़ी ने जी तकरीबन 24 घंटा में अंदर 12 लीटर 10-12 लीटर करेंगे। अच्छा माशाल्लाह लेकिन जब तुम अच्छी ब्रीड दिया बैफलो मिल गए नहीं नपर पंजाब। अच्छा जी महंगी जरूर मिलती है अगर उतना 20+ वाली आराम नाल मिल जाए और आज 8 लाख और चाचू सब तो महंगी कहो तुसा वेची कितने दी और गिद्दी कितने दी सब तो महंगी कहो मगर भाई घिनना दाता ये भाई जिस टाइम परमानेंट खरीद फरोख्त की है तो 8-8 लाख दे जानवर 9 लाख दे गिद्दन। अच्छा जी बात तो हफ्ते बाद 4 दिन बाद सेल कितन सेल कितन जेड़ा अगर कोई घर का जानवर 1 लाख रुपए की गिद्दी आई जी तो सस्ते दौरे चो 3.5 लाख की सेल की है। अच्छा उस टाइम चंगी गां जी वो तकरीबन सेल होती है 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख हूँ तो सर उस गां सेल होती है इतना चक्कों के यानी जमींदार को 7-7.5 लाख रुपए। अच्छा और चाचू तुम्हारी हिस्ट्री के कोई याद हो कि महंगी तरीन गां विकी या मझ विकी उस तू ज्यादा महंगी जानवर आज तक ना तुसा सुना है और ना तुसा मतलब डिठे भाई इतना महंगा जानवर भी विकता है सारे इलाके दे विच नहीं बाहर दी कहानियां हैं जड़ियां के सारे सामने नहीं सोते थे सुना सुना है 7-8 लाख से सेल होंगे 7-8 लाख रुपए। और इस तुम्हारे फार्म के सब तो महंगा जानवर केड़ा खड़ोता इस टाइम हाजिर मौके का देखो तो सामने वाली इसकी इस टाइम कितनी मालियत कितनी कीमत उसी इसकी जी जी आराम नाल मालियत बनती है 4.5 लाख रुपये बनती है वैसे मैं 5 लाख तो घट सेल ना करें। अच्छा जी तो 4.5 लाख ये भी जड़ा आराम का इस पोजीशन है। अच्छा जी इंशाल्लाह जिस टाइम तैयार थी जी ये 7 लाख क्रॉस करा ला दे 7 लाख माशाल्लाह जी और हूँ जी तुरियाँ मझी दे दें तो बस बात तो इजाजत देसूँ और इजाजत दें छोटियाँ रखी हुई बस तुरियाँ छोटियाँ का विजिट करें बिल्कुल प्रेगनेंट है 8-8 महीने।